ऑलरेडी शुगर के पेशेंट्स हैं, किडनी का मसला है, कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर लाइक SLE वगैरह है, तो ये सबसे पहली चीज़ जो मैं क्लियर करूँ वो ये है कि एस्पिरिन का आपके जो इस वक्त का ब्लड प्रेशर है उससे कोई भी ताल्लुक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एस्पिरिन का प्रेगनेंसी में क्या रोल है। जब कभी भी पेशेंट हमारे पास आता है और हम उसको लो डोज एस्पिरिन एडवाइस करते हैं, तो सबसे पहले उनका जो जवाब होता है वो ये होता है कि हमें तो ब्लड प्रेशर का मसला नहीं है, और या फिर अगर उनको हमने एस्पिरिन वगैरह दी भी होती है और वो नेक्स्ट विजिट में आते हैं तो कहते हैं जी हमने तो ये छोड़ दी थी क्योंकि हमारा ब्लड प्रेशर बड़ा लो होना शुरू हो गया था। यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करूँ कि जब अर्ली प्रेगनेंसी होती है तो ब्लड प्रेशर तो नेचुरली ही लो होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हार्मोन्स की वजह से आपका सारा जो ब्लड है वो आप कहने के लेग्स की तरफ शिफ्ट होना शुरू होता है, यानी वो कहने के नालियाँ जो टांगों की होती है वो थोड़ी खुल जाती है, जिसकी वजह से सारा का सारा ब्लड जो है वो लेग्स की तरफ जाता है, जिसकी वजह से चक्कर भी आ सकता है, कोई गिर भी सकता है, या फिर उसकी वजह से उसको लो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम रहता है। तो इसमें एस्पिरिन का कोई रोल नहीं है। तो ये सबसे पहली चीज़ जो मैं क्लियर करूँ वो ये है कि एस्पिरिन का आपके जो इस वक्त का ब्लड प्रेशर है उससे कोई भी ताल्लुक नहीं है। अब अगला बात यह है कि ये एस्पिरिन दी क्यों जाती है। अच्छा, एस्पिरिन को लोग मुख्तलिफ जो है ना वो इंडिकेशंस के ऊपर एस्पिरिन दे रहे होते हैं। कुछ साइंटिफिकली जो है प्रूवन है कि हाँ इसका इसका बहुत ज़्यादा रोल है, और वो रिकमेंड भी करते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम है तो आप एस्पिरिन को थ्रू आउट प्रेगनेंसी दें या पहले 20 हफ्ते में दें। और कुछ में अभी कह ले कि ये मिथ ही है, लेकिन कभी कभी चूँकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स कम है तो हम लोग बाज़ दफ़ा प्रोटेक्शन के तौर पर भी ये एस्पिरिन जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। अब बात करेंगे कि इसका रोल क्या है। इसका सबसे बड़ा रोल जो है, जिस पे ये जो कि प्रूव भी हो चुका है, वो है कि अगर आपको ऑलरेडी पिछले हमल में ब्लड प्रेशर की शिकायत रही हो, यानी आपका प्रेगनेंसी वाला जो ब्लड प्रेशर था, यानी जो 5th मंथ के बाद स्टार्ट होता है, उसकी अगर आपको शिकायत हुई हो, तो ऐसी सूरत हाल में एस्पिरिन का बहुत बड़ा रोल है। पहले हम 75 तक या 80 तक दिया करते थे, अब वो कहते हैं आप इससे ज़्यादा डोज भी दे सकते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में एस्पिरिन जो है वो आपके जो हम यानी उस वक्त के ब्लड प्रेशर पे तो इफेक्ट नहीं कर रही, लेकिन जो ब्लड प्रेशर आपको 5 महीने के बाद हो रहा है, जो कि अमूमन 7वें या 8वें महीने में जाकर होता है, तो उस ब्लड प्रेशर से बचाव के लिए जो है वो एस्पिरिन दी जाती है। इसके अलावा अगर आपके बच्चे में पिछले बच्चे में ग्रोथ के इशूज़ रहे हों, पानी के इशूज़ रहे हों, यानी पानी कम हो गया हो, ग्रोथ अच्छी ना हुई, तो उसके अंदर भी एस्पिरिन का रोल है, चूँकि ये वही ब्लड पतला करने वाली मेडिसिन है, ब्लड थिनर इसको कहते हैं। तो ये आपकी जो प्लेसेंटा की नालियां जो शुरू में बन रही होती हैं उनको खोल के रखती है, आम जबान में हम इसको ये कह सकते हैं, जिसकी वजह से आगे जाके ये प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। तो बेसिकली तो इन दो इंडिकेशंस पे दिया जाता है। तीसरा रोल जिसके जो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं लेकिन फिर स्टिल हम देते हैं, वो मिसकैरेजेस में आता है, क्योंकि कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जो कि एस्पिरिन लेने से यानी खून पतला करने वाली दवाई लेने से वो बेहतर हो सकती हैं। तो जो मिसकैरेजेस होते हैं या हमल जो ज़ाया होते हैं उनसे भी ये बचाती हैं। तो डॉक्टर आपको किसी भी इंडिकेशन के ऊपर एस्पिरिन जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकता है। डोज इसकी वेरी करती है, कम भी हो सकती है, ज्यादा। साइड इफेक्ट इसके इतने लंबे नहीं है, बस आपने इसको खाने के बाद लेना होता है ताकि आपके स्टमक को ये इफेक्ट ना करे। अमूमन ये ब्लीडिंग प्रेगनेंसी में कॉज नहीं करती है, सो इसके लिए परेशान मत हो कि अगर खुदा न खास्ता कल को ब्लीडिंग वगैरह होगी तो आपकी एस्पिरिन की वजह से हो सकती है। अलबत्ता अगर किसी में ब्लीडिंग हो रही हो तो हाँ, एस्पिरिन को स्टॉप भी किया जा सकता है। अगर किसी में प्रॉब्लम ज़्यादा हो तो उसको एस्पिरिन के साथ जो और खून पतला करने वाली मेडिसिन जैसे क्लेक्सन वगैरह है वो भी दी जा सकती है। जैसे कि बहुत किसी को अर्ली ब्लड प्रेशर का इश्यू हो जाए, प्रीक्लैम्पशिया डेवलप हो जाए, तो ऐसे पेशेंट्स को या एब्रप्शन हो जाए तो उसको क्लेक्सन भी दी जा सकती है। सो ये दोनों दवाइयाँ जो हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं ऐसे पेशेंट्स के। अगर आपका पहला हमल है और आप में ये हिस्ट्री तो ज़ाहिर नहीं है, लेकिन आप में रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि आपका वेट बहुत ज़्यादा है, ऑलरेडी शुगर के पेशेंट्स हैं, किडनी का मसला है, कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर लाइक SLE वगैरह है, या कोई भी ऐसी बीमारी चल रही है जिसमें हमें लगे ये वो कैंडिडेट है जिसको फ्यूचर में जाके ब्लड प्रेशर डिवेलप हो सकता है या मिसकैरेज हो सकता है, तो उसमें भी बाद प्रोफाइलेक्टिकली हम हिस्ट्री तो नहीं होती लेकिन सिर्फ उसकी इसके ऊपर जो अभी के रिस्क फैक्टर्स हैं उसके ऊपर बेस करके भी एस्पिरिन स्टार्ट करवा सकते हैं। सो एस्पिरिन के काफ़ी फ़ायदे हैं। अगर आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है तो ये मत सोचिए कि वो आपके अभी ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए दे रहा है या इसकी वजह से आपको कोई ब्लड प्रेशर पे इफेक्ट आ रहा है, वो बेसिकली इनमें से किसी न किसी वजह की वजह से वो आपको प्रिस्क्राइब कर रहा होगा। बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिए।